भाई साहब फिल्म फाइनेंस में फंसे हो क्या? ए भाई दुकान खाली करवाने का? ए भाई साहब ओ जेंटलमैन भाई साहब मकान खाली करवाना है क्या? यार भाटिया लगता है आज कोई क्लाइंट आ ही नहीं रहा है। क्रिमिनल्स होते तो अच्छा रहता। क्या? क्रिमिनल लॉयर। अरे फिर तो एक आध नेता टाइप क्लाइंट हाथ लग जाए फिर जिंदगी भर लड़ते रहो। पता नहीं अपना क्लाइंट कब आएगा। हम आपसे कह रहे हैं कि आप हमारा मकान खाली कर दीजिए वरना आप काल्पनिक कोर्ट के कानून को जानते नहीं है। अजी जानता हूँ बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे अगर जानते हैं तो फिर खाली क्यों नहीं कर देते? इसीलिए तो नहीं खाली कर रहा हूँ ना। मैं कह रहा हूँ खाली कर दीजिए मान जाइए। 2 लाख लाइए। 2 लाख रुपए किस चीज के दूंगा? अरे अपने मकान को खाली कराने के 2 लाख रुपए दूंगा। ऐसा केस करूंगा। कैसा केस करेंगे? ये तो मैंने सोचा नहीं कि मैं कैसा केस करूंगा। वैसे ऐसे केस के अंदर कैसा केस करना चाहिए? आइए मैं आपको बताता हूँ। और मैं आपको बताता हूँ हमारे अड्डे पे। जी हमारा नाम मुसद्दीलाल तिवाड़ी है। बड़े चौराहे में हमारा छोटा मकान। और गांधी जी आपने उसके ऊपर कब्जा कर लिया है? हाजी कब्जा कैसा, मैं तो किराएदार हूँ। क्यों? अरे तरस खा के रख लिया था हमने एक आदमी को किराए पे। पिछले महीने 15 दिन के लिए हम बाहर गए, वापस आए तो घर के अंदर ही नहीं जा पाए। क्यों? उसने कब्जा कर लिया था घर पे। रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली। हाँ मगर आपको कैसे मालूम? मैंने ही करवाई थी। हाजी पटेल का काम बहुत जबरदस्त होता है, अब अगर वो चाहे ना तो खुद भी खाली नहीं करवा सकता। डोंट वरी, मैं जानता हूँ कि ये फर्जी रजिस्ट्री है। वो तो हम भी जानते हैं। अच्छा साबित कैसे करोगे? अरे फर्जी रजिस्ट्री को फर्जी साबित करना क्या मुश्किल है? ओ भाई साहब फर्जी रजिस्ट्री को फर्जी साबित करना ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, पता है आपको? और हम असली को नकली ऐसे साबित कर देंगे बस यूं। डोंट वरी। आप एक काम कीजिए मिठाई लाइए। क्यों? अरे भाई आप केस जीत गए हैं। अरे अभी तो केस दायर ही नहीं हुआ। वही तो पटेल वकील का कमाल है, केस दायर करने से पहले ही जिता देता है। तो अब हम उस घर में रह सकते हैं? हाँ क्यों नहीं। वैसे आजकल कहाँ रह रहे हैं आप? नहीं हम रहे तो उसी घर में रहे हैं। कहाँ? जहाँ गांधी ने कब्जा किया है? जी हाँ उसने हमारे मकान पे कब्जा कर लिया और वो जो कमरा किराए पे हमने उसको दिया था वो कमरा किराए पे उसने हमें दे दिया हमारे ही मकान में। ओहो क्या जरूरत थी उसे कमरा किराए पे देने की? जी थोड़ा पैसा मिल रहा था तो सोचा कि अजीब आदमी हूँ। अरे अब वो निकलेगा तो फिर क्या करें? किसी भी तरह से उसको निकालो। अब तुम निकलना मत बल्कि तुम उसे निकालो। कैसे? उसका पानी काट दो, उसकी जेब काट दो। बीवी है? जी हाँ है। उसे छेड़ो। क्या कह रहे हैं? अरे उसके कमरे में चूहे छोड़ दो, उसके बेटे का सर फोड़ दो। अरे आप उस आदमी को घर से बाहर निकालने के तरीके बता रहे हैं या हमें जेल भेजने के तरीके बता रहे हैं? देखिए आज से पहले हम कभी जेल नहीं गए। ओके आज से पहले कभी कोर्ट गए थे? नहीं हम कोर्ट भी नहीं गए थे। हाँ तो आज आ गए हैं। देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम, कभी तो शुरुआत करनी पड़ती है ना। और गए भी तो क्या, हम बैठे हैं ना यहाँ। जाइए। कहाँ? जेल? नहीं हमने जो कहा है वो करिए और तब तक मैं पेपर्स बना के केस फाइल करता हूँ और अगले महीने की तारीख निकलवाता हूँ। ओके ये लीजिए आपकी फीस। ये क्या है? आपकी फीस 1000 रुपया। ये पटेल वकील की फीस है? बेइज्जती कर रहे हैं आप मेरी। अरे भाई इतने पैसे में तो हम शादी भी नहीं कराते, ये तो मकान खाली कराने का कॉम्प्लिकेटेड केस है। देखिए पटेल साहब। नहीं 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 देखने लायक है ही नहीं। अरे सुनिए तो। अरे आवाज ही नहीं है, सुनेंगे क्या? हम बाल बच्चेदार आदमी हैं। तो हम क्या करें? हमारी पत्नी बीमार रहती है। तो हम क्या करें? हमारे पिता भी बीमार रहते हैं, उनका खर्चा भी हमें उठाना पड़ता है। तो हम क्या करें? हमारी खुद की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती। ये रखिए अपने पास। क्यों क्यों? नहीं आपको वकील की नहीं डॉक्टर की जरूरत है। हाँ भाई आप जाइए वरना मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। लीजिए लीजिए लीजिए। और बाकी कल ले आऊंगा। ठीक है चलो आदमी अच्छे लग रहे हो इसलिए रख लेता हूँ। जाइए और वो काम कीजिए जो मैंने कहा है, उसकी बीवी को छेड़िए। उसकी बीवी को कैसे छेड़ सकते हैं? क्यों? वो तो हमें छेड़ती है। क्या? जी हाँ। ओके तो ठीक है अपनी पत्नी से कहिए उसके साथ झगड़ा करे। अरे वो तो कल ही हो जाएगा। तो ठीक है फिर मेरा काम हो जाएगा ना? हाँ हाँ भाई काल्पनिक कानून और संविधान पर भरोसा रखो, इसलिए तो यहाँ पर आया हूँ। अच्छा जी ओके। ये वैसे पहली तारीख कौन सी तारीख को पड़ेगी? पहली तारीख तो नॉर्मली पहली तारीख को ही पड़ती है भाई। ओके ओके नहीं मतलब मेरे केस की पहली तारीख कौन सी तारीख को पड़ेगी? हाँ वो कल आना मैं बता दूंगा। कहाँ से बता देंगे, इतनी जल्दी तारीख पड़ने लगी तो हमारी तो दुकान ही बंद हो जाएगी। क्या पार्टिया, तुम तो जानते हो, आश्वासन दे रहा था भाई। आश्वासन? क्या बात है पटेल, नेताओं जैसी बातें करने लगे हो, पॉलिटिक्स में जाने का इरादा है क्या? इसीलिए तो इतने पैसे कमा रहा हूँ भाई। अरे यार हमें भी कमाने दो, ये गांधी जी वर्सेस मुसद्दीलाल केस ऐसा चलना चाहिए, ऐसा चलना चाहिए कि एक मिसाल बन जाए। अबे मिसाल नहीं बे, एक मकान बन जाए।
ये क्या तरीका है? ऐसे रोका क्यों? अरे ना रोकता तो आपकी सूरत बिगड़ जाती। जी हाँ भाई साहब, पान की पीक और आदमी की नजर एक समान होती है, दोनों जाकर के दूसरे की बीवी या मकान पर जाकर गिरते हैं। जी हाँ, अब आप बताइए आपकी नजर किस पर है, दूसरे की बीवी या मकान पर? हमारी नजर ना किसी की बीवी पर है ना किसी के मकान पर, किसी की नजर हम पर है। क्या आपके बीवी पर या मकान पर? मकान पर। कब्जा किया है? जी हाँ। खाली करवाना है? जी हाँ। तारीख पढ़वानी है? जी हाँ पढ़ जाएगी। फाइल नंबर बताइए, केस ऊपर कर देंगे आपका। आप? हाँ हाँ हम। 7 महीने में हमारे वकील साहब तारीख नहीं पढ़वा पाए, आप पढ़वाएंगे। हाँ हाँ हम पढ़वाएंगे ना। पर आप हैं कौन? शुक्ला है हम, जज साहब को हम फाइल आगे बढ़ा के देते हैं। पता है आपको, जज साहब के ठीक नीचे बैठते हैं, कौन सा फाइल ऊपर जाना है कौन सा फाइल नीचे आना है हम ही डिसाइड करते हैं। बोलिए फाइल आगे बढ़वानी है तो बोलिए। हाँ ना। क्या? हाँ। अरे पर क्यों यार? आप पैसे मांगोगे ना फाइल आगे बढ़वाने के, वकील है ना हमारे पटेल साहब, वो बढ़वाएंगे आगे, हम आपसे क्यों बढ़वाएं? नमस्कार। अच्छा बढ़वा लो फाइल, बढ़वाने के पहले खुद बढ़ जाओगे, टुकला नाम है हमारा। यही तो, आज तो फैसला होके ही रहेगा। पिछले 10 साल से एक तलाक के मामले को खींच रहे हैं आप। अरे जवानी में उन्होंने तलाक की अर्जी की थी, आपने उनको बूढ़ा कर दिया। वो कुछ नहीं, आज फैसला होके ही रहेगा। अरे ये क्या कह रही है उषा जी, फैसला आज हो जाएगा तो हम बेकार हो जाएंगे उषा जी। आप जानती हैं कि केस खत्म तो क्लाइंट गायब, और क्लाइंट गायब तो कमाई गायब, और देखिए हम अकेले तो खाते नहीं है। उषा जी आपको मेरी कसम है। नहीं नहीं ये मेरे हाथ में नहीं है, जज साहब के हाथ में है। हाँ मगर वो आपके हाथ में है ना। क्या है, जज साहब तो आपके बिना कुछ नहीं है। अरे वो तो सिर्फ कठपुतली है, असली जज तो आप हैं। आप यही तो, आपने जज तो ठीक किया पर मैं आपके फेवर में जजमेंट नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि आप दोनों के क्लाइंट्स ने मेरे घर में आकर अपील की है। देखिए ना सर, ये उन पति पत्नी के डिवोर्स को 10 साल से खींच रहे हैं। और सर आगे और 10 साल खींचना चाहते हैं सर। प्लीज खिंचवा दीजिए सर। ना, हम उन पति पत्नी की अपील को ओवर रूल नहीं कर सकते। पर सर आप हमारी अपील को ओवर रूल्ड कर रहे हैं सर। आपकी अपील कमजोर है, उसमें गवाहों और सबूतों की कमी है। ठीक है ये लीजिए, सबूत लाया हूँ, ये लीजिए सबूत और ये लीजिए गवाह। उषा जी जी जरा देखिए इनके गवाहों और सबूतों में कितना दम है। सबूत तो ठोस है सर, पर गवाह कमजोर है। क्या भाटिया जी? अरे सर ये लीजिए ना, ये रहा है और गवाह है। हाँ सर, अभी दोनों पक्ष के सबूत और गवाह दोनों ठीक है। तो फैसला किसके हाथ में होगा? ये अगली तारीख पे डिसाइड करें ना सर। यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगली तारीख 3 महीने के बाद की रखवा लेते। थैंक यू सर। थैंक यू लॉर्ड। लेकिन अगली तारीख को आप दोनों के गवाह और सबूत एकदम ठोस होना चाहिए, अगर एक का भी पक्ष कमजोर हुआ तो फैसला दूसरे के हाथ में चला जाएगा। अरे पटेल साहब आप यहाँ खड़े हुए, मैं आपको कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था भाई। हाँ सर मैं इस बार तो अपनी तारीख पड़ेगी ना। हाँ पड़ेगी। बस सर... आप ऐसी बहस कीजिएगा कि वो गांधी के बच्चे के छक्के छोड़ जाएं और जज का बच्चा बस देखता रह जाए। क्या भाई सुना है कोई पांडे पांडे नाम का जज है? पांडे नहीं पांडे जी। जी कहेगा भाई साहब। सुना है बहुत ज्यादा खाता है, मतलब समझ लीजिए एक नंबर का घूसखोर है। आपको कैसे पता? मुझे क्या पूरी दुनिया को पता है, आप वकील हैं कि जज। जज? आप अपने आप को जज कह रहे? जज साहब नमस्ते। नमस्ते शुक्ला जी, ये रही लिस्ट कि आज कौन कौन सी फाइल कौन कौन से नंबर पे आएगी। ओके ओके आइए उषा जी। ओके ये तो सचमुच ही जज निकला। अब नाचो आगे पीछे, क्या जरूरत थी इतना बोलने की? मतलब निकल गया मुझसे, गलती हो गई मुझसे, अब क्या होगा? इंतजार इंतजार कीजिए, अब तो जज साहब का मूड ठीक हुआ तो ठीक है, वरना वरना क्या? दो बातें होंगी, या तो फैसला आपके हक में होगा या तो खिलाफ होगा। आपके हक में होने के चांसेस बहुत कम है, और खिलाफ हुआ तो दो बातें होंगी, या तो आप अपना घर खुद छोड़ दोगे या तो वो गांधी धक्के मार मार के आपको निकाल देगा। खुद ने छोड़ा तो ठीक है, मगर धक्के मार के निकाले गए तो दो बातें होंगी, या तो सड़क पर रहोगे या तो किराए के मकान में रहोगे। सड़क पर रहे तो ठीक है, मगर किराए के मकान में रहोगे? अभी भी तो किराए के मकान में ही रह रहा हूँ मैं। ओह तो टेंशन क्यों लेते हो, इससे बुरा कुछ नहीं होगा भाई साहब। हैं क्या? मकान पे कब्जा कराना है ना? हाँ हाँ हो जाएगा। हाँ हाँ मैं फर्जी रजिस्ट्री बनवा दूंगा। हाँ बोलो, कब्जा कराना है या खाली कराना है? पटेल साहब मकान खाली कराना है। हाँ तो एडवांस 5,000 लगेगी। अरे कितनी बार तो दे चुका हूँ। कब दिए? अरे पिछले 1.5 साल से दे रहे हैं हम, पहचाना नहीं आपने? हमारा नाम मुसद्दी लाल है, मुसद्दी लाल तिवारी। अरे हाँ हाँ मुसद्दी जी। हाँ तो कब आएगा हमारा नंबर? आएगा आएगा।
अरे एक तो नंबर नहीं आता है, ऊपर से जब नंबर आ जाता है तो कोर्ट का टाइम खत्म हो जाता है। भाई कुछ कीजिए पटेल साहब, कब से आप खा रहे हैं? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हम तारीख पढ़ने नहीं देते। भाई आ जाएगा, आप शुक्ला को जानते हैं? शुक्ला से मिलिए। वही शुक्ला जो नंबर लगाता है? हाँ, उसे खिलाओ। वो भी खाता है? क्यों, उसे भूख नहीं लगती? क्या बताएं, जब से पान खाना कम किए हैं भूख ही नहीं लगती एकदम। तो क्यों कम कर दिया आपने पान खाना? पता नहीं क्यों कम हो गया। बताइए फाइल नंबर क्या है? 420 है। तो ये रहा, बस यही वाली है। क्या चाहते हैं, ऊपर रख दें? जी 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 जी। तो आप भी कुछ रख दीजिए एक पर। हाँ, मगर कितना? अरे जो मर्जी रख दीजिए, श्रद्धा अनुसार। वैसे महंगाई बहुत हो गई आजकल। जी ये लीजिए। ठीक है? ठीक तो है, पर घर में जो वाइफ को डिलीवरी होने वाला खर्चा कितना होता है? जी जी, लीजिए और लीजिए। हमारा रिश्ता डिलीवरी हो जाएगा पूरा। तो क्या पूरी डिलीवरी का खर्चा आप मुझे से लेंगे? देखिए देना तो दीजिए, समझे कि नहीं? बाहर कई लोग कॉन्ट्रैक्ट लेके खड़े हैं डिलीवरी का, समझे कि नहीं आप? जी 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 जी, आप ये लीजिए, ये लीजिए। बाकी कल ला के दे दीजिएगा। जी कल लाऊंगा। तो मेरी फाइल? हाँ, हम एकदम ऊपर रख देंगे और जज साहब को पटा लीजिएगा, उसी दिन केस फाइनल हो जाएगा। रात रात सो नहीं पाती मैं। हाँ हाँ, इन्हीं की वजह से सोने ही नहीं देते। देत वैसे नहीं, नींद में तेज बोलते रहते हैं जैसे कि रनिंग कमेंट्री चल रही हो। हाँ? तुम क्या सुन रहे हो? मटर छीलो। इसका इलाज है मेरे पास। किसका? मेरे पति का। जी हाँ। क्या आप उन्हें दिल में बोलने दिया कीजिए ना। हाँ? क्या अरे चश्मा गिर गया आपका, मुझे लगता है आज हमारा नंबर जरूर आएगा। हाँ, हाँ। क्या लगता है हाजिर नहीं है? नेक्स्ट केस नंबर 421, राजेंद्र भसूड़िया बनाम माधुरी दीक्षित। अरे 421 कैसे आ गया? अरे 421 कैसे आ गया? 420 तो आया ही नहीं है अभी। पहले वही तो नहीं बोला? अरे अब सर सर, मैं 420 हूँ, मैं 420 हूँ। पहला आदमी देखा है जो खुद को 420 कह रहा है, इसे बिना बहस अंदर करो। नहीं 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 नहीं, वो मतलब नहीं है सर, मेरी फाइल का नंबर है 420। अरे अभी बुलाया तो क्यों नहीं आया तुम? अरे आप पान खा के बुलाएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, गलती मेरी नहीं है। अब कुछ नहीं हो सकता, आपका नंबर चला गया। पर कब आया, कब नंबर? जब हम समझाया तब आया था। अरे ऐसे कैसे, 2 साल से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, एक बार भी तारीख नहीं पड़ी है, एक बार भी बहस नहीं हुई है। तो फिर आइए। तो ऐसे जो अभी बहस हो रही थी वो कब होगी? देखिए आप खामखां बहस ना करें। जज साहब, मेरे मकान पर कब्जा किया गया है। इन्हें कब्जे में ले लो। है जी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। पटेल साहब, लो भाई, गया 6 महीने के लिए अंदर। अरे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल अगस्त में आ जाओ, ठीक है? 2 मिनट में हो जाएगा। अरे अरे शुक्ला जी। हाँ हाँ, आप आ गए टूट के। जी हाँ, आ गया। वो पटेल कहाँ है? पटेल ना बोलिए, पटेल जी बोलिए। हाँ मतलब कहाँ है वो? क्यों? वो भाई अगली तारीख डलवानी है, अर्जी देनी है। नहीं, अब वो वकील नहीं है। क्योंकि थानेदार हो गए हैं ना? जज हो गए। हाँ, उनको तरक्की हो गई, अब वो जज बन गए हैं। और जज पांडे का क्या हुआ? अरे ससुर सबूत खाते पकड़े गए। सबूत खाते? मेरा मतलब है रिश्वत खाते पकड़े गए, केस चल रहा है, उन पर फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। जज की फ्रीलांसिंग कर रहे हैं? ना, वकील की कहिए तो उनसे मिलवा दें, आपका मुकदमा मतलब 2 मिनट में लड़ लेंगे वो। क्या, चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारा मकान ऐसे दिला देंगे, ऐसे ही दिला देंगे। कैसे दिला देंगे? जैसे आप हमें फीस देंगे। ओ, कितनी फीस दूं? 10,000 रुपए। अरे पटेल साहब तो 5,000 रुपए लेते थे, आप 10,000 रुपए ले रहे हैं। तो 4 साल पहले दिए थे ना? हाँ ये तो है। जमाना भी तो बदल गया। बोलो देते हो तो तारीख पढ़वाओ। कब पड़ेगी तारीख? अगले महीने के अगले महीने। नहीं, कब पड़ेगी तारीख, कब होगा फैसला? क्या करें, कभी नंबर ही नहीं आता, कभी अपोजिट पार्टी बीमारी का बहाना बनाकर अगली तारीख ले लेती है, कभी आप बीमार पड़ जाते हैं, कभी मैं। लेकिन डोंट वरी, आज फैसला हो के रहेगा। अरे सुनो, शुक्ला जी से मिल तो लो। अब क्या मिलना ठाकुर, पिछले 15 साल से तो मिल ही रहे हो। मिल तो रहे हैं, लेकिन पिछले 15 साल से 15 बार भी बहस नहीं हुई। अब क्या करें, इत्तेफाक से तुम्हारी फाइल पहले गायब हो गई, वो मिली तो अपोजिट पार्टी की फाइल गायब हो गई,
फिर वो सब छोड़ कर जब साफ छुट्टी पर चल गया टाइम तो लगता है ना। अब तो नंबर आएगा। अरे आएगा नहीं आएगा तो ले आएंगे। लाओ थोड़ा कुछ निकालो भाई। लो। अरे वही 15 साल से पुराना रेट। अच्छा अच्छा लो और लो और लो लो। थोड़ा है थोड़ा प्रॉब्लम है। क्यों वाइफ की डिलीवरी होने वाली है। हाँ लेकिन तुम्हें कैसे पता। अरे पिछले 10 साल में 15 बार तो डिलीवरी करा चुके हो तुम। क्या करें सब गॉड गिफ्ट है भैया। नंबर तो लगेगा। अरे नंबर क्या आत्मा फैसला करा देंगे भाई। ये मकान मुसद्दी लाल तिवारी का है जज साहब और उसी मकान में गांधी पिछले 25 साल से रह रहा है। जिसमें वो 10 साल एज किराएदार रहा और मुसद्दी उसी मकान में 15 साल किराएदार रहा। मैं पूछता हूँ जज साहब कि ज्यादा किराए पे कौन रहा। मुसद्दी लाल इसलिए असली किराएदार मुसद्दी लाल हुआ। जज साहब ये रसीदें हैं जो सिर्फ मुसद्दी लाल के पास हैं। मैं पूछता हूँ मिस्टर गांधी से कि क्या ये रसीदें उनके पास हैं कि उन्होंने मुसद्दी लाल को किराए पर रखा। नहीं ये जज साहब रसीदें जाली हैं। नहीं ये असली है। ये रजिस्ट्री मकान की गांधी के नाम पे है जज साहब। लेकिन ये मकान मुसद्दी का है। जज साहब मैंने आपको गवाहियां दी है और मैंने सबूत दिए हैं और गवाह से ज्यादा दिए हैं। तो आप ही फैसला कीजिए जज साहब कि ये मकान किसका है। ये मकान मुसद्दी का है। मुसद्दी का है। मुसद्दी खुश। क्या हुआ भाटिया। जज साहब मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ कुछ खाया नहीं क्या। नहीं जज साहब सुबह से कुछ नहीं खाया। जज साहब मेरी आपसे गुजारिश है कि सुनवाई के लिए अगली तारीख दी जाए। ठीक है ठीक है ठीक है। वकील भाटिया की हालत को देखकर अदालत इस केस को अगली तारीख नहीं, नहीं, नहीं। इसको अगली तारीख मत दीजिए। ये झूठ बोल रहा है नाटक कर रहा है। मैंने इसको खाते हुए देखा है। ये झूठ बोल रहा है जज साहब। मैंने सिर्फ 6 समोसे खाए थे। पिछली बार भी इसने पेट दर्द का नाटक किया था और इसने तारीख ली थी और मुझे क्या मिला था सिर्फ तारीख। पिछले 15 साल से मैं यहाँ इस कोर्ट के चक्कर काट रहा हूँ लेकिन क्या मिला है मुझे सिर्फ तारीख। आप जो वकील थे मैंने आपको भरपेट खिलाया लेकिन मुझे क्या मिला सिर्फ तारीख। ये पांडे जब जनसा लिफाफे भर भर के मैंने इसको खिलाया लेकिन मुझे क्या मिला सिर्फ तारीख। ये उषा जी इनके मटर चील चील के मेरी शक्ल भी मटर जैसी हो गई है लेकिन मुझे क्या मिला सिर्फ तारीख। ये पांडे नहीं क्या नाम है इसका शुक्ला। ये शुक्ला। अरे इसकी बीवी की 10 डिलीवरियां पिछले 15 साल में मैंने करवाई है लेकिन मुझे क्या मिला तारीख। पिछले 15 साल से हमने ही घर मैं किराएदार की तरह रह रहा हूँ और पिछले 15 साल से मैं यहाँ पे और तारीख पे आता हूँ लेकिन मुझे क्या मिला सिर्फ तारीख। मुसद्दी लाल जी आज आपको देखकर कानून की आंखों से पट्टी निकल आई है और इसलिए मैं आपको वो दिलाऊंगा न्याय। हाँ मैं आपके केस का फैसला करूंगा। क्या मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगा। अच्छा हाँ और इसलिए मैं समय समाप्ति के घोषणा क्या होगा। चिंता मत करिए मुसद्दी लाल जी मैं आपको देता हूँ ना। क्या न्याय। नहीं अगली तारीख। क्या